अच्छा, आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं कि हम आपको हीटर बांधने का, हीटर पे यानी कि जो बैरल होता है हैंड मोल्डिंग का, उसके बैरल के ऊपर हीटर बांधने का तरीका सिखाएंगे। ये हमारा हैंड मोल्डिंग का बैरल है, जिसको बाद लोग हीटर भी कहते हैं। इसके ऊपर अब इसके अंदर से प्लास्टिक जो है ना जाता है, और नीचे से प्लास्टिक यहाँ से निकलता है और मोल्डिंग शुरू हो जाती है, यानी कि हम उसको कोई भी पीस प्लास्टिक का बना सकते हैं। इसको साफ़ करा जा रहा है, बार बार नहीं निकलो। ये सफाई इसके लिए क्या ज़रूरी है? ज़रूरी है सफाई, इसकी इसमें कार्बन जमा होता है ना जो, जी इसकी वजह से हीटर पर उड़ने का खतरा होता है, सारी मेहनत ज़्यादा हो जाती है। इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं हीटर बांधने के लिए? इसके अंदर एलिमेंट पेपर होता है, एलिमेंट ये लगता है इसके ऊपर, फिर अंदर तार बंधी जाएगी, एलिमेंट तार बोलते हैं। पहले ये बांधा जाता है? हाँ, पहले ये बांधा जाएगा। इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं अबरक। अच्छा, इसको अबरक कहते हैं। ये अबरक सीट है तो ये इसके ऊपर लपेटी जाएगी। क्या वजह इसको लपेटा क्यों जाता है? ये इसमें करंट नहीं फैला, मशीन में लोहा होता है पूरा, तो लोहे की मशीन होती है, उसकी वजह से इसमें करंट आ जाएगा पूरी मशीन के अंदर। अच्छा, तो ये करंट पास होने नहीं देता? करंट इसमें लोहे में नहीं जाएगा। सही, इसको साइज लेके उसको काट देंगे यहाँ से। कट गई, अब इसको इस तरह बांधना होता है। डबल चक्कर आ गए, एलिमेंट हमने एलिमेंट बांध दिया। अब इसको ये तार यहाँ से इतना काट लो, अगर ज़्यादा होगी तो हीटर गर्म नहीं होएगा, इसलिए इसमें दो चक्कर लेने होते हैं, दो सीट यानी। अब इसको लगाने के बाद इस तरह घुमा लो इसको, ये इसका खिंचाव हो जाएगा, एक खींच गया, अब ये हो गया टाइट। कहते इसको लपेट लो, इसको गोल तरीके से लपेट लो, टूटे ही नहीं, बीच में ये डालो ना, आराम से लपेटो बोल। ये जुबली क्लिप इसमें क्यों लगा रहे हैं? ये जुबली क्लिप होता है, इसकी हम पहले कड़े लगाते थे, आजकल साइंस इतना तरक्की कर गया, हम क्लिप लगा रहे थे। क्या हुआ में इस तरीके से दो जुबली क्लिप लगेंगे, और उसके बाद इसके ऊपर जो है ना एक वायर लपेटी जाएगी। क्लिप तीन लगेगी, तीन क्लिप। एक क्लिप और चाहिए, बड़ा हुआ है। अब ये हीटर जो है वो बैरल जो है वो इसमें फिट किया जा रहा है। तीन जुबली क्लिप लगाएं, एक हमने इसके अंदर थर्मोकोपल के लिए एक जुबली क्लिप लगाया हुआ है। दो जुबली क्लिप इसलिए लगाए हुए हैं कि इसके ज़रिए से जो है ना हमने इसकी जो पीछे की शीट है जिसको अबरक कहते हैं उसको पकड़ा हुआ है, अब ये इसके अंदर मशीन के अंदर फिट किया जा। फिट करने के बाद इस पर एक एलिमेंट तार जिसको हम कहते हैं
वो लपेटी जाएगी। हीटर बांधने के लिए जो है इसमें से जो कप का स्प्रिंग होता है वो निकाला जा रहा है, निकाला जाता है घुमा सके। इसको एलिमेंट तार कहते हैं जो हीटर का काम करती है, और अब इसके ऊपर यहाँ पर ही लपेटी जाएगी। ये सेटअप सारा बना लिया, इसको हाथ से घुमाने के लिए ये हाथ से घुमाया जाएगा। वो किस तरीके से वो अभी आप देखेंगे। ये हीटर बांधने के लिए पहले नीचे वाली जुबली क्लिप के अंदर एलिमेंट तार को टाइट किया गया। अच्छी तरह नीचे फिक्स करके बांध के तसल्ली के साथ हमने ही छेड़ा निकाल लिया है तार बांधने के लिए, इसमें तार बांधी जाएगी। करंट देने के लिए यहाँ इस पर तार को लपेटा जाए, इसको खींच के बांधना पड़ेगा। इसका इसको थोड़ा भी ढीला छोड़ेंगे तो ये लाल हो जाएगा। इस वक्त कप से जो है वो पकड़ के घुमा रहे हैं, कप ज़रा मुश्किल से घूम रहा है तो इसकी वजह से जो है वो मुश्किल आ रही है, तो पाइप पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाथ में जो है एलिमेंट की तार की पूरी गिट्टी है। जी अब हमारा ये तकरीबन कंप्लीट हो गया है, जो इसके राउंड्स हैं ये मतलब हीटर बनाने के, तो ये तकरीबन कंप्लीट हो गया है। आधा घंटा इसके अंदर लगा है तकरीबन। अच्छा, इसमें आप एक पैटर्न नोट करेंगे कि नीचे से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो फासला तारों के दरमियान में बढ़ता जा रहा है। तो ये इस वजह से रखा जाता है, जहाँ हमें हीट की ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ ज़्यादा हीट, और जहाँ कम हीट की ज़रूरत है वहाँ हम कम हीट जो है वो फासला ज़्यादा कर देते हैं।
अब यहाँ पर ये मुकम्मल हो गया और उसी तरीके से जैसे हमने नीचे तार को लपेटा था यहाँ पर उसी तरीके से तार को लपेटेंगे। और एक तार का हिस्सा हमने बाहर भी निकालना है ताकि एक से न्यूट्रल और एक से फेस दिया जाएगा इसको, जिससे ये लोहा गर्म होगा या हीटर काम अपना काम शुरू करेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये तीसरा इसमें जो जुबली क्लिप लगा हुआ है ये इस वजह से लगा हुआ है, इसके अंदर हम थर्मोकोपल लगाएंगे। थर्मोकोपल से काम ये होता है कि हम इससे टेम्परेचर देखते हैं कि क्या इसका इस वक्त टेम्परेचर है, जितने हमें टेम्परेचर सूटेबल रहता है उस पर हम इसको सेट कर देते हैं। तो थर्मोकोपल की तार हम आपको बाद में दिखाएंगे फिटिंग के टाइम, फिटिंग के जब बिल्कुल आखिरी फिटिंग कर रहे होंगे। अब ये कम्प्लीट हो गया, एक ये हिस्सा निकल आया है इसका, एक ये हिस्सा निकल आया है। अब इसको मज़ीद इसकी हीट इसमें से बाहर ना आए कि जब ये इस्तेमाल होना शुरू हो तो हीट बाहर ना आए, इसके ऊपर फिर हमें कपड़ा लपेटेंगे जिसको कपड़े का नाम है एल्बिस्टन है, एल्बिस्टन। अब आयल पिस्टन इसको कहते हैं, ये है कपड़ा, ये कपड़ा है, इसमें शीशा होता है, कांच होता है, कांच से बना हुआ ये कपड़ा होता है। एक हमारे पास एक्स्ट्रा जो है वो ख़राब सी तार पड़ी हुई जिसको हम इस पर लपेट रहे हैं ताकि ये खुले नहीं। कपड़ा जो है वो दो वजहों से लपेटा जाता है, एक तो इससे करंट पास नहीं होता कपड़े से बाहर की तरफ या जो है वो करंट पास नहीं होता, और दूसरा ये हीट रेजिस्टेंस होता है, इससे हीट पास नहीं होती। काफ़ी हद तक ये हीट को जो है ना वो रोकता है। बाहर आने से ताकि अंदर की हीट जो है ना वो मेंटेन रहे। अब ये इसकी एक फेस की तार है, एक न्यूट्रल की तार है। अब हम इसमें एक तार फिक्स कर रहे हैं, एक तार इसके साथ हम जॉइंट कर रहे हैं। ये हमारा हीटर जो है वो कंप्लीट हो गया,
अब हम इसके ऊपर थर्मोकोपल फिक्स कर रहे हैं, जो एक थर्मोकोपल जो है वो टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल की जाती है कि क्या टेम्परेचर इस वक्त इसके अंदर मौजूद है। थर्मोकोपल की तार जो है वो इसमें डाली गई है, जुबली क्लिप जो हमने सबसे ऊपर वाला लगाया हुआ था, अब इसको टाइट किया जा रहा है। अब थर्मोकोपल जो है वो टेम्परेचर जो है वो बताएगी। यहाँ हमारे पास टेम्परेचर एक कंट्रोलर लगा हुआ है, मैं भी आपको दिखाऊँगा। ये टेम्परेचर कंट्रोलर है, अभी हम इसको आखिर में ऑन करेंगे। अभी इसको करना पड़ेगा आपने कुछ, अभी घुमा नहीं है, नीचे करना पड़ेगा। ऑन कर रहे हैं इस वक्त इसका टेम्परेचर जो सेट हुआ है वो 215 सेट हुआ है और 37 डिग्रीज जो है वो इसका अपना जो है वो बता रहे हैं कि इस वक्त जो है ये 37 डिग्री पर ये हीटर मौजूद है। अब जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा इसको जो है वो अब हम चेक करेंगे, चेक करने के कि हीटर काम कर रहा है नहीं कर रहा। दो तीन तरीक़े कार हैं, एक तो ये है कि इसमें जो है वो हीटर काम कर रहा है, हमें ये कपड़ा हमने नया लगाया इसकी स्मेल आ रही है, इसकी स्मेल से हमें महसूस हो रहा है, और अगर कैमरे के अंदर नज़र आ रहा हो कि धुआं भी निकल रहा है तो मकसद ये है कि ये ऑन हो गया। ये मुस्तकिल तौर पे धुआं नहीं निकलता, ये नया कपड़ा होने की वजह से धुआं निकल रहा है। और दूसरा तरीका कार होता है कि हम एक मैग्नेट जो है हम इसके करीब लेके जाते हैं, इसे टच नहीं करते, एक मैग्नेट का टुकड़ा हम इसके करीब लेके जाते हैं तो ये वाइब्रेशन हमें मैग्नेट के अंदर महसूस होती है। मिलाना नहीं है इसे, बस वाइब्रेशन हमें महसूस होगी तो इससे पता चल जाएगा कि जो है ना वो ये वर्क कर रहा है और मुझे इस वक्त इसके वाइब्रेशन महसूस हो रही है। अच्छा, अब टेम्परेचर देख लें, 37 था, अब जो है वो 45, और ये बढ़ता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और ये हमारा हीटर जो है वो मुकम्मल हो गया। अब बाकी जो है वो सेटिंग डाई या जो इसके अंदर आप चीज़ बना रहे हैं, डाई लगा रहे हैं, तो वो डाई के एतबार से बाकी सेटिंग होगी। और ये हमारे उस्ताद साहब हैं जिन्होंने जो है वो हीटर बनाया है, हीटर फिक्स किया है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर हम ख़ुद इसको फिक्स करते हैं तो ये फ़ायदा ये है कि बाहर से अगर हम हीटर बाहर से भी मिलते हैं, तैयार हीटर मिल जाते हैं, बाज़ों का तैयार करवाने पड़ते हैं, तो वो उसकी ज़रूरत जो है मकसद ये है कि 800 रुपये का, 600 से 800 रुपये तक का हमें हीटर मिलता है। और घर में बनाने जाते हैं यानी कि ख़ुद बना लेते हैं उसको, तो उसके ऊपर हमें सिर्फ हमारा सामान लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपये का सामान लग जाता है, तो एक ही हमें इसमें बचत आ जाती है। तो ये हमारा हीटर तैयार हो चुका है।